रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप भाइयों को मैं इस वीडियो में एक नंबर दिखा रहा हूँ मैं, ठीक है। नंबर आप नोट कर लें, 026 and 921166, यानी कि 026 92 11 66, ठीक है। ये नंबर आपको मैंने क्यों दिखाया है नोट कर लें, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें मेरी वीडियो की, आपको भी बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो आपको आज 29 रमज़ान चल रहा है सऊदीया में, और कल ईद सऊदीया में होगी या नहीं होगी या परसों होगी, इसके मतलब अभी की जो ताज़ा तरीन सूरत सामने आ रही है, मैं देख रहा था मुकम्मल तफसील भाई, चार माहिर फल्कियत की तरफ से अभी राय आ चुकी है और ये कन्फर्म होती है ज़्यादातर। तो बहरहाल तीन, इनमें से तीन की एक राय है, एक की एक मुख्तलिफ राय है तीनों की निस्बत, ठीक है। वैसे पाकिस्तान में आज 28वां रमज़ान चल रहा है और कल 29 है। अगर हमारे कल आज चांद नज़र आ जाता तो कल अगर ईद हो जाती है तो भाई पाकिस्तान में कल ईद नहीं होगी, जारी सी बात है, कल 29 रमज़ान होगा। अगर हमारे आज चांद नज़र नहीं आया और कल अगर चांद, जारी सी बात है, डेफिनेटली बात है, फिर हमारे नज़र आएगा और हमारे रोज़े हो जाएंगे 30। और पाकिस्तान में अगर भाई 29 हुए और ईद हो गई तो पाकिस्तान और सऊदीया वालों की ईद इकट्ठी होगी, फिर पाकिस्तान वाले भी आपको वीडियो कॉल करेंगे और आप भी उनको वीडियो कॉल करेंगे। बहरहाल ये आज माहिर फल्कियत की तरफ से ये है जी, तीन की ये राय है कि आज चांद नज़र नहीं आने के अमकान हैं। एक बंदे की ये राय है जी कि आज चांद नज़र आने के अमकान हैं सऊदी अरेबिया में। अच्छा, ये जो नंबर मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया है, इसके मतलब आपको तफसील थोड़ी बताना चाहता था मैं। तमाम मेरे परदेसी भाई, मैं पहले वीडियो लगा चुका हूँ, आप भाई इनाम जीत सकते हैं, इनाम का बाकायदा ऐलान किया गया है। आपको ये नंबर भी साथ मैंने अभी फिर दिखा रहा हूं, मैं ये दिखा रहा हूं, मैं आप जो सऊदीया के जिस किसी भी शहर में हैं वहां से आप अगर चांद देखते हैं या दूरबीन के जरिए या अपनी आंख से, वो आपकी मर्जी है, अगर आपके पास कोई दूरबीन वगैरह है उससे भी आप देख सकते हैं, अगर आपको चांद नजर आता है तो आप इस नंबर के ऊपर अपनी शहादत यानी कि अपना बयान रिकॉर्ड करवा सकते हैं, उनको बता सकते हैं जी मैं फलां बंदा और मेरा फलां नाम है और मैं फलां शहर में हूं और मैंने अपनी आंखों से या दूरबीन से मैंने चांद देखा है जी और इस शहर में मुझे चांद दिखाई दिया है, ये कन्फर्म है। तो आप अपनी शहादत रिकॉर्ड करवा सकते हैं। जो मेरे गैर मुल्की भाई शहादतें रिकॉर्ड करवाएंगे उनमें से जो सरफरिस्त होंगे उनमें से कुछ बंदों को बाकायदा वजारत अदल की तरफ से ये ऐलान कल किया गया था कि इनाम तकसीम किए जाएंगे अगर चांद नजर आ जाता है आज। तो देखते हैं, अगर आप में से कोई परदेसी भाई देख ले तो भाई इस नंबर के ऊपर रब्ता कीजिएगा, उनको रिकॉर्ड करवा दीजिएगा, बाकी शाम तक इंशाल्लाह ताला इसके मतलब कन्फर्म पता चल जाएगा कल ईद है या रोज़ा।